दोस्तों वेलकम टू माय चैनल एएलपी राकेश में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ वीडियो अपना शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल हो गई थी मेरी और आज मुझे टाइम मिला है तो मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा अपने वीडियो के थ्रू। और मेरी वीडियो अब वीकली में दो वीडियो आ ही जाएगी, मैं कोशिश करूंगा दो या तीन वीडियो जब जब मुझे टाइम मिलेगी तो मैं ज़रूर आपको वीडियो शेयर करूंगा अपने यूट्यूब चैनल में। तो जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज मैं आप लोगों के साथ एएलपी को कितना रेस्ट मिलता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा और पीरियोडिक रेस्ट क्या होता है और कितना ड्यूटी हम लोगों को करना पड़ता है वीकली और कितना रेस्ट मिल पाता है, ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा आज। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ कि हम लोगों को कितना रेस्ट मिलता है और हम लोगों की ड्यूटी की कॉल कैसे आती है। तो सपोज़ कि मैं अभी अपने हेडक्वार्टर में हूँ जहाँ मैं पोस्टेड हूँ और मुझे दो घंटे पहले ड्यूटी के लिए कॉल आ जाएगा कि आपको यहाँ पे लेकर के जाना है गाड़ी को। तो दो घंटे हम लोगों को प्रॉपर टाइम मिलते हैं और हम लॉबी में जाते हैं और वहाँ लॉबी में जाकर वहाँ 15 मिनट पहले हम लोग साइन ऑन कर लेते हैं। सपोज़ कि आपकी ड्यूटी आई 14 बजे तो हम लोग अपने दो घंटे में जो भी कुछ रेडी वगैरह होना है सारे कुछ कंप्लीट कर लेते हैं अपने वर्क। और 1:30 बजे मतलब 13:30 में हम लोग यहाँ से निकलते हैं और 15 मिनट पहले वहाँ साइन ऑन कर देते हैं। और उसके बाद आपको वेट, अगर गाड़ी आ गई है तो ठीक है और अगर नहीं आई है तो हम लोगों को वेट करना पड़ता है वहाँ पर जा कर के, वेटिंग रूम बनी हुई है। और फिर हम लोग वहाँ से गाड़ी लेकर के चल पड़ते हैं। जैसे सपोज़ आपको पानीपत से गाज़ियाबाद के लिए कॉल हुई है, मतलब पानीपत से आपको गाज़ियाबाद लेकर के जाना है गाड़ी, तो हम लोग पानीपत में साइन ऑन करके और वहाँ से सीधा गाज़ियाबाद गाड़ी लेकर के जाते हैं। तो हम लोगों को गाज़ियाबाद पहुँचते पहुँचते कम से कम 8 घंटे या 10 घंटे जो भी मैक्सिमम टाइम लग जाएंगे तो उसके हिसाब से हम लोगों को रेस्ट मिलती है। हम लोग गाज़ियाबाद पहुँच जाने के बाद हम लोग वहाँ साइन ऑफ करते हैं और वहाँ पर हम लोगों को मिनिमम 6 घंटे की रेस्ट मिल जाती है। तो फिर हम लोग वहाँ रनिंग रूम में जा कर के वहाँ प्रॉपर रेस्ट करते हैं 6 घंटे तक। और अगर हम लोगों को वहाँ से अगर गाड़ी मिल जाएगी, जैसे कि हम लोग 6 घंटे रेस्ट करने के बाद अगर वहाँ से गाड़ी हम लोगों को लेकर के आना है तो हम लोगों की 2 घंटे टाइम मिलेंगे वहाँ पर भी और हम लोगों को कॉल होगी। फिर वहाँ पर हम लोग 2 घंटे में रेडी हो करके वहाँ से जाएंगे लॉबी में और वहाँ साइन ऑन करके वहाँ से गाड़ी लेकर के अपने हेडक्वार्टर पानीपत या कहीं भी जो पोस्टेड है वहाँ पे पहुँच करके हम लोग साइन ऑफ करते हैं। और साइन ऑफ करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे मिनिमम 16 आवर की रेस्ट मिल जाती है और इसके बाद ही हम लोगों को कॉल होती है। 16 घंटे आपको मिलेंगे कम से कम अपने हेडक्वार्टर में रेस्ट के लिए। तो वहाँ पर 16 घंटे के बाद अगर आपकी सपोज गाड़ी नहीं लग रही है, जैसे कि 16 घंटे आपके कंप्लीट हो गए रेस्ट और आपकी 24 घंटे तक भी अगर गाड़ी नहीं लगे है तो आपको 24 घंटे भी रेस्ट मिल गए। और फिर 24 घंटे प्लस भी अगर उसके बाद भी अगर आपकी कॉल नहीं हुई है तो 24 घंटे प्लस भी रेस्ट मिल गए। तो ये होता है हम लोगों के हेडक्वार्टर में कि गाड़ी जब आपके लगेगी तभी कॉल होगी। तो आपको इतना रेस्ट मिल जाता है अपने हेडक्वार्टर में और यहाँ हम लोग अपने हेडक्वार्टर पहुँच करके रेस्ट करते हैं प्रॉपर। उसके बाद हम लोगों को फिर वही शेड्यूल चलाया जाता है कि जब गाड़ी आपके लगेगी तो कभी भी कॉल आ सकता है, रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कभी भी आपको जब भी कॉल आएंगे। जैसे 3 बजे की आपकी कॉल है तो आपको 2 घंटा पहले कॉल किया जाएगा 1 बजे और आपको 2 घंटे में रेडी होना पड़ेगा सारा कुछ रेडी करके। फिर वहाँ से आप साइन ऑन करने के लिए निकल जाइए, फिर साइन ऑन करके फिर प्रॉपर गाड़ी लेकर के जाया जाएगा। तो वही शेड्यूल चलते रहेगी। तो ऐसा होता है हम लोगों की वर्किंग, मतलब प्रॉपर इतना रेस्ट मिलता है। और अब मैं पीरियोडिक रेस्ट के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो कोई भी डाउट होगा इसके रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा।
आप लोगों को पीरियोडिक रेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि पीरियोडिक रेस्ट क्या होता है और कितने घंटे के हम लोगों को रेस्ट मिला जाता है। जैसे सपोज मैं वर्किंग कर लिया, मैं वीकली 6 डेज हम लोग वर्किंग करने के बाद हम लोगों को एक पीरियोडिक रेस्ट दिया जाता है, और उस पीरियोडिक रेस्ट में हम लोगों को 30 आवर के रेस्ट मिलती है, 30 घंटे के आपको रेस्ट मिल जाएगी प्रॉपर। और अगर इसमें आपको अपने हेडक्वार्टर में ही रेस्ट मिलेगी, जैसे कि आप 6 दिन काम कर लिए और साइन अप किए, तब आपको पीरियोडिक रेस्ट एक मिलेगा जो कि 30 घंटे के रहते हैं। और अगर 30 घंटे के बाद भी आपकी अगर कॉल नहीं हुई, तो आप सपोज आपकी कॉल नहीं हुई 30 घंटे के बाद, तो आपको कम से कम 30 घंटे से प्लस आपको रेस्ट मिल जाएगा। और 30 घंटे से बाद आप लोगों को फिर अगर कॉल होता है, तो वही प्रोसेस फिर से दोहराया जाएगा कि 2 घंटे पहले आपको बताया जाएगा कि कहाँ गाड़ी लेके जाना है। तो हम लोगों को मंथली में 4 पीरियोडिक रेस्ट मिल जाते हैं, और मंथली में वर्किंग भी हम लोग हार्डली 15 डेज मतलब वर्किंग करते हैं इतना, और पीरियोडिक रेस्ट एक मिलता है। तो ALP को इतना रेस्ट दिया जाता है, ये सारा प्रोसेस है और ऐसे ऐसे फॉलो करके रेस्ट दिया जाता है। तो आप लोग को कुछ भी अगर डाउट होता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको जानना हो तो कमेंट करिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा आप लोगों को। और वैकेंसी से रिलेटेड भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कब आना है और कैसे तैयारी करना है, आप लोगों को वो भी बताऊँगा मैं कि कैसे तैयारी करना है और क्या सब्जेक्ट पढ़ना है प्रॉपर, कितने में स्कोर कर पाएंगे कितना नहीं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, और जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए। और मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूँगा, और मैं अभी वीडियो रेगुलर डाला करूँगा जब जब मुझे टाइम मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी ऑलवेज एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। थैंक यू।